हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द लेफ्ट ओवर रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 6 ब्लैक ब्यूटी, दैट इज़ पार्ट 2। एंड इन पार्ट 1 वी हैव रेड अबाउट अ हॉर्स नेम्ड डार्की हु इज़ अ नरेटर ऑल्सो। नरेटर मीन्स द पर्सन हु टोल्ड द स्टोरी, ठीक है, जो कहानी कहता है। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग थ्रू विद द हॉर्स नेम्ड डार्की हु इज़ टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अप टू नेम वी हैव रेड एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम लास्ट स्टेंजा ऑफ पेज नंबर 42। दैट इज़, इट वॉज अर्ली इन मे वेन अ मैन केम फ्रॉम स्क्वायर गार्डन्स एंड टुक मी अवे। हेयर डार्की इज सेइंग दैट इट वॉज द मंथ ऑफ मे, जहाँ पर स्क्वायर गार्डन्स से कोई आता है और उसको साथ लेकर जाता है। माई मास्टर सेड गुड बाय डार्की, बी अ गुड हॉर्स एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। एंड हिज ओल्ड मास्टर सेड गुड बाय डार्की, इट्स टाइम टू गो नाउ बिकॉज ही नाउ ही इज़ गोइंग टू हिज न्यू होम। एंड डार्की को कहते हैं बी अ गुड हॉर्स, अच्छे हॉर्स रहना एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। आई कुड नॉट से गुड बाय सो आई पुट माई नोज इन टू हिज हैंड। डार्की इज सेइंग मैं कह नहीं पाया गुड बाय, तो मैंने अपनी नोज को उनके हाथ पर रखा। किसके हाथ पर? ओल्ड मास्टर के। ही पैटेड मी काइंडली, काइंडली मतलब बहुत पोलाइटली, प्यार से। पैटेड मतलब पीठ को थपथपाना। एंड आई लेफ्ट माई फर्स्ट होम। आई विल नाउ डिस्क्राइब द स्टेबल इन टू विच आई वॉज टेकन। हेयर डार्की इज सेइंग नाउ आई विल डिस्क्राइब माई न्यू होम, जहाँ पर मुझे रखा गया था। इट वॉज वेरी रूमी, वेरी रूमी मीन्स हेयर एयरी। इट वॉज वेरी एयरी विद फोर गुड स्टॉल्स। स्टॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा स्टेबल में सेपरेट पार्ट्स बने होते हैं ऐसे हॉर्स को रखने के लिए, राइट? सो दैट इज कॉल्ड हेयर स्टेबल। After that, a large swinging window opened into the yard, which made it pleasant and airy. And जहाँ पर stable में उनको रखा गया था, एक बहुत बड़ी window थी जो उस area को क्या बना रही थी, airy, बहुत अच्छी हवा वहाँ आ रही थी। The first stall was a large square one and shut in behind with a wooden gate. और जो first stall था, अभी मैंने आपको stall बनाकर दिखाया था, वो जो था वो एक स्क्वायर शेप में था, बड़ा सारा, बहुत स्क्वायर शेप में था। एंड शट इन बिहाइंड, और पीछे से वो वुडन गेट से शट था, क्लोज था। द अदर्स वर नॉट नियरली सो लार्ज। इट हैड अ लो रैक फॉर हे एंड लो मैंगर फॉर कॉर्न। हेयर द नरेटर इज सेइंग एक मैंगर बना हुआ था। मैंगर एरिया होता है, एक ओपन बॉक्स होता है जिसमें से कैटल खाना खाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैंगर हेयर। It was called a loose box also because the horse that was put into it was not tied up। और इसको लूज बॉक्स भी बोला गया है क्योंकि जिस हॉर्स को उसमें डाला जाता है जैसे खाने वगैरह के लिए, तो उसको बांधा नहीं जाता, उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। एंड ही कैन डू वॉट एवर ही लाइक। इन टू दिस फाइन बॉक्स द ग्रूम पुट मी। एंड हेयर ग्रूम मीनिंग समवन हु फीड्स एंड टेक केयर ऑफ हॉर्सेज, जो हॉर्स की केयर करता है, ठीक है। It was clean, sweet and airy. He gave me some very nice oats like daliya, porridge. Patted me, thapthapana, यानी कि पीठ थपथपाई उसने। Spoke kindly and then went away. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर उस grooming person की बात हो रही है, मतलब जो इनको groom करता था, जो इनकी देखभाल करता था। And what is the name of that person? The name of the coachman was John Manley. उनका नाम था John Manley. He had a wife and one little child and they lived in a cottage very near the stables. उनकी एक वाइफ थी और बच्चे थे, और वो जो कॉटेज था हॉर्स का, उसके मतलब जो स्टेबल था जो हॉर्स का, उसके पास ही इनका कॉटेज था, वहीं पर इनकी फैमिली भी रहती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक मी इनटू द यार्ड एंड गेव मी अ गुड ग्रूमिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो थे कोचमैन जो थे इनके, ये हॉर्स को यानी कि डार्की को लेकर गए यार्ड में। गेव मी अ गुड ग्रूमिंग, ग्रूमिंग की इन्होंने, ग्रूमिंग मतलब क्लीनिंग एंड ब्रशिंग की उसकी। द स्क्वायर केम इनटू लुक एट मी, जो स्क्वायर था, जो उसका ऑनर था, जो मालिक था एक्चुअल उसका, वो आए उनको देखने के लिए। और जॉन ही सेड, और उन्होंने नाम बुलाया जॉन का, आई मीन टू हैव ट्राइड द न्यू हॉर्स दिस मॉर्निंग, कि मैं इस नए हॉर्स को ट्राई करना चाहता हूँ, इसकी राइडिंग करना चाहता हूँ आज। बट आई हैव अदर बिजनेसेस, बट आई एम बिजी नाउ, आई हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। यू मे टेक हिम अराउंड, गो थ्रू द कॉमन एंड बैक बाय द वाटर मिल एंड द रिवर। उन्होंने कहा कि तुम इसको ले जाओ, कॉमन मीन्स हेयर एक ओपन लैंड है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, कोई भी यूज़ करे उस लैंड को, बिल्कुल ओपन है वो। एंड बैक बाय द वाटर मिल एंड द रिवर,
और इसको रिवर के आसपास घुमा कर ले आओ। आई विल सर, सेड जॉन, आफ्टर ब्रेकफास्ट ही केम एंड फिटेड मी विद अ ब्रिडल। और ब्रेकफास्ट के बाद वो आए एंड फिटेड मी, और उसके जो ब्रिडल मैंने आपको वर्ड बताया था, नोज के आसपास लेदर बैंड्स डालते हैं हॉर्स के, राइट, उसको ब्रिडल बोला गया है। तो डार्की कहते हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद आए, कौन, जॉन, जॉन ब्रेकफास्ट के बाद आए और मेरे नोज़ के आसपास सब उन्होंने अच्छे से, मतलब ब्रिडल अच्छे से उन्होंने फिट कर दिया।